अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सिरान के नहीं सुनना आपने, सिर्फ मुझे सुनना। नानी का घर आगे, नानों का घर हम जा रहे हैं और हम रास्ते में आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाए, व्लॉग नहीं, जो क्वेश्चन आंसर्स हमने नुमान से पूछने थे ना क्वेश्चंस, उनके आज आंसर करेंगे नुमान। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, बड़े मजे मजे की इसमें बातें हैं। तो और गंदी गंदी भी है और ये हमें मारने मिली है। सारी मामा बच्चों को मारती है, जब बच्चे बात नहीं मानेंगे तो मामा मारेंगी ना, बताओ फिर आप बात क्यों नहीं मानते मुझे बताओ। हुंडा हुंडा आ गई हुंडा। चलो एक पारी करो मामा को, एक मामा को पारी करो सिनान, एक मामा को पारी कर दो। तो मामा जो पारी करती है वो तो बताया नहीं आपने। मैं खिलौने किसने लेके दिए कल? तो आई अल्लाह अकबर, ये मेरा शहजादा है, ये मेरा पारा सा शहजादा। माने मैं सबसे पहले आपसे पूछने लगी हूँ, मेमूना मुस्लिमा ने पूछा है एक मासूम सा क्वेश्चन है, नुमान भाई आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या आप उनसे? मतलब नुमान मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं या मैं आपसे? आप बताएंगे इसका जवाब। मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं 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 ये नहीं है, मैं ज्यादा करती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करते। हम गंदा मुंडा मैं से फिर लड़ता कौन है पहले ये बताए, लड़ता कौन है पहले ये बताए। देखा खुद ही मान गया, मैं लड़ते करे लड़ते लड़ने का भी मान रहे हैं। और जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा लड़ता है ना, इस तरह फिर मैं ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि लड़ती हूँ। नहीं नहीं देखा, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती ना, मैं लड़ती हूँ। ये बात नहीं है मानी, ये बात नहीं है, आपने खुद ही अपने मुंह से देख लिया। अच्छा चोर मान गया, चोर मैं मुना जी, हमने आपको आंसर कर दिया, अब लाइन वाइज हम मानी हम स्टार्ट करते हैं। अब आप खुद ही गेस कर लीजिएगा, कोई गैस नहीं। चले अगला क्वेश्चन जो है ए डॉट जैनब ने पूछा है, व्हाई यू शाउट आउट एट शाउट आउट नहीं हाली वही इंग्लिश नहीं बोली जा रही, अल्लाह इंग्लिश पढ़ी नहीं जा रही। व्हाई यू शाउट, क्लासें पढ़ी होती तो फिर ही पढ़ी जानी। नहीं पढ़ी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जीरो भी नहीं पढ़ी मैंने, नर्सरी भी नहीं पढ़ा हुआ। व्हाई यू शाउट एट जैनब व्हाइल ड्राइविंग, दसो छेती करो, क्यों चीखे चलाए थे मेरे पास? बंदा प्यार से ना समझे तो, आपने प्यार से एक दफा भी मुझे कहा ही नहीं, पहली दफा प्यार से तो कहते हैं जवाब दे, जवाब 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 वाला नहीं, जवाब दे, मेरे पे चीखे चलाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये बताए क्यों चीखे थे मेरे पे, बताए थे सही क्या जवाब देना? हाँ जवाब मानी ये गलत बात है। अच्छा नूर, अच्छा मुझे नाम ही नहीं मानी किसी का पड़ जा रहा, क्या करूँ। नूरुस सहर मानी, ये देखें, ये देखें, नूरुस सहर ने पूछा है आपके हस्बैंड इमाम हैं या आलिम? तालिबे इलम, बच्चे अब तालिबे इलम है, सही तरह बताए ना आप, तालिबे इलम तो है लेकिन इमाम है या आलिम? तालिबे इलम मानी, सही तरह बता तो रहा हूँ, और क्या है ऐसे जवाब? जवाब अच्छा इमाम नहीं है वैसे आलिम है, मैं दे देती हूँ इनका जवाब, अब लगता है यही चलेगा अगर मुंह में हाथ निकाला। तालिबे इलम है, चलो ठीक हो गया। और प्रिंसेस लिब्रा ने जो लिखा है, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने बोला है आई लव यू अपी, लव यू टू प्रिंसेस लिब्रा, उन्होंने मुझे आई लव यू बोला, लव यू टू कुछ भी कुछ भी आई लव मनी। आगे अगला क्वेश्चन बहुत मजे का है, हाफिजा नमल मनी, अगला क्वेश्चन बहुत मजे का है, हाफिजा नमल ने आपसे पूछा है नुमान भाई के बचपन की कोई फनी स्टोरी जिसमें उन्होंने अपनी अम्मी या अबू से मार खाई हो। कोई कौन सी ऐसी नहीं है जिसमें मार ना खाई हो, की कह देता की कह देता, सारा बचपन डंडे डंडे सोटे मुक्के खा खा के इनका गुजरा है। पाइप पाइप से मार पड़ी, और किसे चम्मच से? जूतियाँ जूतियाँ, और जो किचन का चम्मच होता है, चम्मच नहीं चम्मच डोई डोई। आप लोगों को किस किस से मार पड़ती है? डंडे हैंगर, मैं सिर्फ हैंगर यूज करती हूँ या एक स्टिक यूज करती हूँ क्योंकि, और इस टाइम आप ही ने सिर्फ बाबा का पूछा है कि बाबा को बचपन में अपनी मामा या अम्मी अबू से किस किस से मार पड़ी थी, बस ये है, ठीक है अगला क्वेश्चन। अच्छा मानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया अजहर ने पूछा है दीनी और दुनियावी तालीम तबलीग में कितना वक्त लगा हुआ है? सबसे पहले अपनी दीनी तालीम बताएं, बताएं तालिबे इल्म,
भाई ये सीरियस नहीं हो रहे बिल्कुल भी, ये सही आंसर नहीं कर रहा, मैंने इस तरह वीडियो में मजा नहीं ना आ रहा, सही तरह से आंसर करें। दीनी तलीम, मारिया सर ने आपसे पूछा दीनी और दुनियावी तलीम आपकी कितनी कितनी है और तबलीग में कितना वक्त लगा है? बहुत सारा वक्त हर चीज में लगा हुआ। सबसे पहले दीनी तलीम बताएं, इन्होंने भी जीरो क्लास पढ़ी हुई है, जीरो क्लास और दुनियावी कितना वक्त लगा? बड़ा वक्त लगा है। कितना? हर वक्त हम अल्लाह के रास्ते में हैं। अब देख लें ये लोग आपको सही तरह से आंसर नहीं कर रहे, आइंदा से नहीं आप लोगों ने कहना कि इनको वीडियो में लेकर आऊं। मनी अंबर अदनान, तो ना तो मुझे ना आप लोगों के नाम ही नहीं पढ़े जा रहे मेरी ना एक्चुअली आंखें थोड़ी घूम रही हैं। आप गाड़ी चलाएं। अच्छा अंबर अदनान ने पूछा आपकी शादी को कितने इयर्स हो गए हैं? अच्छा दराज ही हो गया है। सुख देखे को समझ तो गए होंगे। मारो भाई मुझे, मारो भाई मुझे, मारो। ये सारे जो सबूत आपको नजर आ रहे हैं ना माशाल्लाह, दो सामने हो रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा ले कितने इयर्स हो गए हैं। बनी आपकी एज क्या है? सात साल नहीं आठ के होने वाले, बस आठ साल, तो बस इतने ही साल हमारी शादी होगी। छह साल का। आप छह साल के हो? नहीं पांच। चलें आपको भी आंसर मिल गया। मैंने मूना सज्जी ने पूछा है जॉब क्या है आप हबी की? जॉब मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर बंदा है, मजदूरी करते हैं और इनकी मजदूरी का ना आधी आधी रात तक होती है। मैं बताऊँ 2 बजे घर आते हैं रात का। अबान बता रहा है पीछे से, नहीं जी किसकी दुकान है? कपड़ों की दुकान। मान ये सीरियस, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। कपड़े धोके भी आते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़ों की दुकान है और क्या काम? गाइस बर्तन भी धोते हैं, बर्तन धोते हैं और क्या काम करते हैं? बाबा झाड़ू भी मारते हैं। मुना सजी ने आपको कोई आंसर नहीं दिया, मैं बताया जो बनाते भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं, घर के भी सारे काम यही करते हैं। अल्लाह तो खैर सारा। शफी निजाम, यार आप लोगों के नाम क्यों नहीं मेरे से पढ़े जा रहे? शफी निजामनी, अल्लाह मनी क्या नाम है? निजामनी, चलो छोड़ो। भाई नुमान हाफिज हैं क्या? और हाँ आप दोनों के माशाल्लाह कन्वर्सेशन बहुत अच्छी। भाई के कितने के आगे नहीं लिखा हुआ, क्या कर सकते हैं? कितने निकाह हैं? ये नहीं पूछा उन्होंने, बस कितने के आगे शायद ऑप्शन खत्म हो गई थी, नहीं लिखा। अच्छा भाई नुमान हाफिज है क्या? मनी आप हाफिज है? यस शुक्र है, एक चीज का पहले सही आंसर आया। लो 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 ओ माहम फातिमा लव यू जानी। मैं आप लोग मनी सुने इनका, इतनी टैलेंटेड वाइफ कहाँ से मिली है आपको? टैलेंटेड बंदा हो तो ऐसी चीजें मिल ही जाती हैं। ऐसी चीजें मैंने मैं वाइफ फोन देखे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन स्मार्ट ब्यूटी ऐसा नाम आ रहा है, इन्होंने लिखा हुआ है, मैं बस ये दुआ करती हूँ कि मेरे हबी बी नुमान भाई जैसे बन जाएं, नमाजी और अच्छे। आमीन आमीन सुम आमीन 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 ऊपर मैंने राम से। अच्छा ब्यूटीफुल जो बटरफ्लाई है उन्होंने लिखा है एंड रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह कुड़िए आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखना। और ब्यूटीफाई जो बटरफ्लाई उन्होंने पहले लिखा था, अस्सलाम वालेकुम, नथिंग टू आस्क, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। कहानियां 10 है इनका नाम, शाउट आउट चाहिए यूट्यूब चैनल पे, अच्छा सा शाउट आउट। देखो मैंने इतना लंबा आपको शाउट आउट दिया है, कहानियां 10, अब आपने भूलना नहीं मेरे शाउट आउट को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, उस्मान 1993 ने लिखा हुआ है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे सलामत रखे, आमीन 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 सुम आमीन हमेशा हमेशा। अगर मारिया ब्लोच है, माशाल्लाह सिंपल अच्छा इंसान है, हमारे लिए बोलिएगा दुआ ही कर दें क्योंकि नेक लोगों के अल्लाह सुनता है। चलो मानिए आपने आइंदा से ना मेरे सब दोस्तों के लिए, मेरी जी फैमिली के लिए जो आपने दुआ करनी है, ठीक है? सबके लिए दुआएं, सबके लिए ढेर सारी दुआएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है जनाब?
मुजफ्फर शाह हैं, भाई जॉब क्या करते हैं, भाई के वॉइस ओवर से व्लॉग अच्छा कैसा मजा हो जाता है, अच्छा खासा मजे का हो जाता है, कुछ इस तरह से लिखा है मुजफ्फर बलोच ने। भाई जॉब क्या करते हैं जरा बताइएगा। मेहनत मजदूरी। लाइफ विद एच के चैनल है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन फॉर नुमान भाई, प्लीज जवाब देना है आपने। मनी एक मिनट जरा प्लीज चुप करो बांगनी। मनी हस्बैंड को अपनी रिस्पेक्ट और केयर और लव कैसे करवाया, हाउ टू मेक देम लव अस वुमेन एंड अप्रिशिएट द वर्क वी डू फॉर देम डेली, लुकिंग आफ्टर किड्स एंड हाउस, बताएं। उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन लंबा था कि जवाब दें, जैसे माशाल्लाह मैं आप जैसे नहीं सॉरी मैं भी गलत समझ गई। उन्होंने कहा कि वैसे ये भी कोई नहीं करते, जो बंदे हैं वो बीवियों की कदर कैसे करेंगे, बीवियों से प्यार मोहब्बत कैसे करेंगे, उनकी इज्जत कैसे करेंगे, क्योंकि इज्जत तो करते हैं वो, घर के सारे काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो बंदे जो है उनसे प्यार कैसे करेंगे, रिस्पेक्ट केयर लव कैसे करवाया जाए, बंदों से करवाया जाए। हाँ, बंदों से कैसे करवाया जाए। लाइफ विद एच के चैनल है, लड़की होंगी यकीनन, उन्होंने आपसे पूछा है कि कैसे करवाया जाए, शायद मतलब जो लड़की है आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने बंदों की नज़र में उनका बंदे उनसे ज्यादा प्यार करें, आपस में उनका रिलेशनशिप ज्यादा बेटर अच्छा करें, बंदे की बात माने, और ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, चार पहिए होते हैं गाड़ी के, दो जिंदगी के दो पहिए मियां बीवी, गाड़ी के तो चार होते हैं, गाड़ी के दो चार है, जिंदगी के दो मियां बीवी, गाड़ी के दो होते हैं। यार आप लोग चुप करो, हमारा सीरियस मैटर है, यहाँ पे सीरियस बात चल रही है, इन लोगों ने हर बात में मजाक है यार। मानी बताए ना, लड़कियों के लिए आपने पैगाम देना है कि वो अपने खामद की इज्जत करें। नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा कि हाँ जारी बात, उन्होंने यही पूछा कि हम ऐसा क्या करेंगे कि बंदे उनसे ज्यादा प्यार करेंगे, बंदे करते हैं प्यार, ये कौन सी बात है, बंदे तो प्यार करते हैं, जरूरी तो नहीं इजहार करना प्यार होता है, मतलब लेकिन पाकिस्तानी बंदों में ना, पाकिस्तानी माशरे में शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर खाली बंदे नहीं, मतलब आप लोगों को अगर किसी से लगाव है, किसी से प्यार है, किसी से चाहत है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा अपनी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इजहार नहीं कर पाते है ना मान। देखिए मुझे इतना प्यार है, मुझे इतना प्यार है नुमान से, लेकिन मैं इजहार नहीं कर पाती क्योंकि ये बंदा मेरे से नहीं करता। अच्छा आपके आंसर, आपके क्वेश्चन का अभी तक सही आंसर लगता है नुमान को नहीं देना रहा, मैं दूं, मैंने मैं दे दूं आंसर, तुम दे दो, बहुत फेल हो तुम इस चक्रों में, फेल हो पापा, तुमने क्या जवाब दिया, जो लड़कियां कहती हैं, मानी मेरी बात, जो लड़कियां कहती हैं ना, मतलब अगर शादी हो गई है, शादी के बाद बंदा जो है उसी के साथ चिपक के, वो ये समझते हैं कि बस ये प्रॉपर्टी है हमारी, हमने इसको एज अ प्रॉपर्टी, हमारी शादी हुई है ये, कि हमारे अलावा किसी की तरफ देखे ना, फैमिली मेंबर से बात, मतलब इस तरह की, फिर बंदा चिढ़ता है। मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि अगर आप ज्यादा कहोगी ना कि हाय मत तुम मेरे पास साथ ही लगे रहो, मेरे साथ ही आओ जाओ हर वक्त, मेरे आप बंदे को टाइम दो, उन्हें छोड़ दो, जाए जिथे जाना जाए, उसको रोको नहीं, वो खुद ही आएगा लौट के। मानी मेरी बात सुने, सही कह रही हो ना, जितना ज्यादा आप कहोगे ना हाय नहीं ये मुझे टाइम नहीं देता, मेरी तरफ देखता नहीं, सॉरी यानी मेरा ख्याल नहीं करता, तो आप यही है, मैंने तो यही अभी तक सीखा है कि बिल्कुल केयर करना, थोड़ी सी केयर करना ना छोड़ो, थोड़ी सी खुद रिलैक्स रहो, ठंडे रहो, बंदा आप पलट के आएगा। लाइक उनको भी आप थोड़ा सा फ्री दो, उनका बाकी सब चीज़ों पर हक है, उनको भी टाइम दो, मनी मतलब मुझे समझ नहीं, पूरी बात करनी, तुम भी इंप्लीमेंट करो, बस गल खत्म करो, बस खत्म होगी, इससे ज्यादा सॉरी ज्यादा ही लगता है आपको, ज्यादा ना हमने डोज दे दियो। चले अगला देखें, हनी व्लॉग्स ऑफिशियल हैं, उन्होंने लिखा है भाई की वॉइस ओवर पर रिलेटिव्स का या उनके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है, मैंने बताएंगे, शायद किसी को पता भी नहीं, वो आपके रिलेटिव्स है, मेरे रिलेटिव्स ना तो सबको पता तो लेकिन उन्होंने आपसे पूछा ना, सबको अच्छा लग रहे हैं, मनी आंटी क्वेश्चन किसने सुना था आपका, मरियम मन्ना ने तो अच्छा लग रहे हैं, कोई हमें नहीं पता है ना, मनी हमें नहीं पता, हमसे किसी ने शेयर ही नहीं किया है ना, मिट्टी पाओ अच्छा मनी सुहाना के ब्लॉग्स ने पूछा है, इनसे पूछें कि जब अपने ब्लॉगिंग और चैनल स्टार्ट किया तो इन्होंने आपको क्या कहा, इजीली मान गए थे कि काफी देर बाद माने थे,
नहीं तो ये सीरियस वाली बात है। हमारी आपस पहले बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी क्योंकि ये जब सारा दिन चले जाते थे और रात को इतनी देर से आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बंदा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता। उस वजह से हमारी एक मेन रीजन थी हमारी आपस की लड़ाइयों की। लेकिन अभी हमारी लड़ाई होती है, ऐसे नहीं कहूंगी कि लड़ाई तो ज्यादा थी लेकिन बहुत लड़ाई नहीं होती। चलो देख लो वो ये गल आ गई फौरन ही। चले सहाना के व्लॉग्स आपको भी मिल गया होगा। मैं आपको बताती हूँ इजीली मान गए थे। मानना क्या, उनको कोई आइडिया नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं था कि हम वीडियोस बनाते बनाते यहाँ तक आ जाएंगे। बस मैंने टाइम पास करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कि मैं अकेले रहने से ज्यादा तंग आ जाती थी तो इसलिए स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ तक आ गए हैं। देर से तो माना है क्या, जल्दी क्या, मैंने इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। अली एस जे एस ने लिखा है भाई मान के साथ ब्लॉग किया करें, बंदा फ्रेश हो जाता है आपके ब्लॉग्स देखकर। अलवीना खान ब्लॉगर ने लिखा है अल्लाह पाक आप दोनों आपको ढेरों खुशियां दे, आमीन सुमामीन। थैंक यू। मैंने दोबारा पूछ रहे हैं मदीहा हसन, हसन ने पूछा है नुमान भाई आपकी जॉब क्या है। ये फाइनली कोई एक बात बता दें, गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट्स का बिजनेस प्लस मेहनत मजदूरी, प्लस मेहनत मजदूर भी है। अच्छा मदीहा हसन, हसन ने एक और शायद पूछा है नुमान भाई आप और मेरी आपी सबसे पहले आप दोनों मेरे लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद दें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको अपने खजानों में से औलाद दें। मेरा क्वेश्चन है आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है और नुमान भाई के कितने बहन भाई हैं, क्या आप दोनों कजन्स हैं। सबसे पहले मेरी शादी को कितना अरसा होगा, 2012 में शादी हुई थी, आप हिसाब ला लो वी आ गया। 12 में शादी हुई थी और सारे आंसर मैं ही दे जा रही हूँ ना, ये थोड़ा कम बोलते हैं वैसे पता नहीं इनके, अब नहीं बोल रहे मैं क्या करूँ। और अनुमान भाई आपके कितने बहन भाई हैं? 5। बोले ना क्या है भाई के, मैंने सही तरह आंसर बता तो रहा हूँ। 5 क्या, जेंडर भी बताए ना। 5 भाई और बहन इनकी कोई नहीं है ये तो बताए। और हम आप दोनों कजन हैं, हम दोनों कजन हैं क्या? अल्लाह ना करे। मेरी तरफ क्यों ऐसे घूर रहे? हम लोग कजन नहीं है, टोटली आउट ऑफ फैमिली है। चलो भाई क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं और मेरी माँ जी का कार भी आ गया। तो हमारे ये पहली ट्राई किया है कि हम थोड़ा सा कोई ब्लॉग इस तरह का बनाए। होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। कैसा लगा यार, कैसे बारिश हुई है? तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये बेटर हो जाएगी क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्राई था इस तरह से क्वेश्चन आंसर करना और कैमरे के सामने बैठकर करना, तो थोड़ा सा बच्चों ने भी हमें बीच में तंग किए रखा है। अगर आपको किसी चीज का जवाब नहीं मिला तो आपको जवाब ये जो जवाब है ना इसको इनकी तरफ से जवाब है लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं है। आप सारों को ढेर सारा प्यार है आप लोगों के लिए और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए। हैं अच्छी तो कहीं नहीं थी, अपने मुंह में मिट्ठू में बन रही हूँ। आप लोगों को कैसी लगी है बस कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मैं जब मेकअप की वीडियोस बनाती थी ना तो शुरू में मेरे से बहुत ज़्यादा वो होती थी, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मुझे आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हेल्दी क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने ये लफ्ज़ गलत बोला या ये ऐसे कर लेनी तो ज़्यादा। तो मैंने उन सबको मैं पिक करती गई तो ये नहीं कहती कि मैं अभी परफेक्ट वीडियोज़ बनाती हूँ जो मेरी मेकअप चैनल की। यार आपसे कैसे सीखूं मेकअप, आपको मेरा मेकअप की समझ नहीं आती, उनके कलर्स तक की समझ नहीं आती तो मेकअप कैसे सीखूंगी मैं आपसे। टैलेंट है। कैसा टैलेंट है या अल्लाह, ये टैलेंट कैसा टैलेंट है कोई मुझे भी बताए। तो आप लोग हमें व्लॉग्स में भी ना कमेंट करके बताना कि हम अपने व्लॉग्स को कैसे इम्प्रूव करें या किन टॉपिक्स पे बात करें, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये तो बोलेंगे नहीं, मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ और मुझे बोलना पसंद है, गप्पे लगाना पसंद है। मुझे वैसे ही शौक है यार, लड़कियां बोलती चलती अच्छी लगती हैं, है ना मनीष? खामोश हो तो और ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मुझे खामोश नहीं रहना, बीवी होनी चाहिए। हाँ क्या होनी चाहिए? गूंगी। तो फिर गूंगी से शादी कर, तो गूंगियों के रिश्ते नहीं होते होने के, ये गूंगियों ने इससे शादी नहीं करनी। अस्तगफुल्लाह, मैं ना वैसे एक बात कर रही हूँ, मुझे नहीं अब पता, मैंने वैसे ऐसा कोई पता नहीं है, लेकिन क्या पता जब रिश्ता देखने जाए तो आंटियां जो लोग रिश्ता देखने जाते हैं वो इतने कीड़े निकाल रहते हैं अच्छी भली लड़की में, तो अल्लाह ना करे वो गूंगी हो तो क्या हम नहीं अपने पुत्र के लिए लेते हैं गूंगी कुड़ी। और अब देखो अब याद आ रहा है बीवी गूंगी होनी चाहिए, ये क्या, ये डबल, ये तजाद है, ये खुला तजाद है।
मेरी मामा पहले मरी जा रही है। सिनान कह रहे नानी का घर आ गया गाइस, अल्लाह हाफिज। सिनान जानू इधर आगे आके बोलो। अब मेरा छोटा सा टिड्डा सा अफान छोया हुआ है, अफान दिखाऊं आप लोगों को? अफान और मेरा शहजादा। अब हम देखो भाई की टांगे ठंडी तो नहीं हो रही है, उस पर जम नहीं दिया हुआ, ठंडी हो रही है? चलो शुक्रिया। सिनान किसका घर आ गया? नानी का घर। नानी नहीं बोलते, नानू बोलते हैं। नानी का घर, नानू बोलते हैं। अल्लाह हाफिज। अब हमारी नानो का घर आ गया है, हम नानो घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज बान, आप भी अल्लाह हाफिज बोल दो। हाय हाय, पसंद आया हो तो लाइक कर देना आप लोग हमारे इस नकम्मे से व्लॉग को, क्वेश्चन आंसर सेशन को। मुझे तो थोड़ा थोड़ा आदत हो गई है बोलने की। अरे मैं 8 साल हो गए मानी के साथ रहते हुए, इनको अभी तक मैं आदत नहीं डाल सकी बोलने। बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, मज़े का बोलते हैं, लेकिन जब दोपहर दिन का टाइम होता है ना तब ये नहीं बोलते, ये कम बोलते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। ये देखने की अभी भी कुछ सोच रहे होंगे, ये सोचते बहुत ज़्यादा है, मुझे भी समझ नहीं आती। मैं इनको ऐसे देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैंने कोई ऐसा कैमरा इनके अंदर लगाऊँ मुझे पता लग जाए यार ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सीरियसली मैं कई दफ़ा इनसे पूछती हूँ यार आप क्या सोचते रहते हो मुझे भी बताओ। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, इसने गलत काम किया तो मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज करके इसको मार रहे नहीं, इसको डांटने लगी हूँ तो जल्दी जल्दी कह रहा है ये देखें अल्लाह हाफिज नहीं कर रही है, हमें मार रही है। मामा को नहीं अच्छा करता, मामा को नहीं अच्छा करता।